दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा 12 इंच का पॉट में जो क्रिसेंथम है उसका जो साइज़ है बहुत ही बड़े हो चुके हैं, और इतना बड़े हो चुके हैं कि अभी इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। तो इस दौरान आपको इस प्लांट में एक प्लांट सपोर्ट सिस्टम बनाना है, क्योंकि 1000 फ्लावर का जो हम लोग लक्ष्य रखा है, हम लोग बहुत नज़दीक उस लक्ष्य के जा चुके हैं, और इस दौरान इतना सारा ब्रांचेस हो चुका है कि इसलिए आपको उसको एक सपोर्ट देना है, नहीं तो वो अपने ब्रांचेस के भार के कारण वो आहिस्ता आहिस्ता प्लांट ख़राब होता जाएगा। 12 इंच का पॉट में एक ही प्लांट है, ऐसा नहीं कि एक ही पॉट में दो या तीन प्लांट है। अगर आप एक ही पॉट में दो या तीन प्लांट देंगे तो इस तरह आप कभी बना नहीं पाएंगे, और आपका प्लांट कभी भी प्रोफेशनल लुक और प्रोफेशनल प्रोडक्शन में फ्लावरिंग नहीं करेगा। आप देख सकते हैं जो बैम्बो होता है, मैं उसको इस तरह से छोटे छोटे हिस्से में करके रखा हूँ, क्योंकि पॉट जो 12 इंच का साइज़ है, पहले इसके चारों तरफ मैं इस तरह का 5 स्टिक को दे दूंगा, क्योंकि जब ये पॉट का जो डायमीटर है वो काफ़ी बड़े है 8 इंच का पॉट से, और इसलिए जो 12 इंच का पॉट है उसका जो प्लांट साइज़ है वो भी बहुत बड़े है। हालांकि प्लांट और भी बढ़ता जाएगा और भी ब्रांचेस होगा पिंचिंग के बाद। इस तरह सभी 5 स्टिक को चारों तरफ लगाने के बाद अब इसकी चारों तरफ तकरीबन जो प्लांट का जो पॉट है उसका नीचे से तकरीबन 5 इंच ऊपर से आप उसको सारा का सारा ब्रांचेस को उस वायर का ऊपर से लगा के आपको इसको धागे से बांधना होगा। देखिए बहुत ही इजी काम है, लेकिन आपको इस दौरान ध्यान रखना है कि आपका प्लांट का जो ब्रांचेस है क्रिसेंथम का वो टूट ना जाए, क्योंकि क्रिसेंथम का जो ब्रांचेस है बहुत ही हल्का और नरम होता है। अगर आपने बहुत जल्दबाजी की तो आपका ब्रांच टूटने का चांस है। देखिए नीचे का जो ब्रांच बहुत ही झुकने लगा था, मैंने उसको हल्का सा ऊपर में उठा दिया, और उसके बाद इस धागे से उस जो जी आई वायर है जो मैंने राउंड शेप करके लगाया है उसको मैं इस तरह से जोड़ दूंगा। इस तरह सारा का सारा स्टिक के साथ आपको इस तरह का जी आई वायर को आपको जुड़ देना है। इसके बाद ठीक इसका 4 से 5 इंच ऊपर से आपको फिर एक जी आई वायर को मुड़ना है, ताकि जो ऊपर का जो घेर है वो जितना ऊपर जाएगा वो बढ़ते जाएगा और आपको प्लांट का जो है जगह देगा उसको विस्तार करने के लिए। तो इस तरह से आपको देखे रिंग जितना भी ऊपर जाएगा उसका जो साइज़ है डायमीटर है वो भी बढ़ता जाएगा, ताकि उसका जो पत्ता निकले उसके लिए कुछ प्रॉब्लम ना हो। और इस दौरान जो स्टिक है, स्टिक काफ़ी लंबा है जो मैं बाद में उसको काट दूंगा, और नीचे का जो स्टिक है थोड़ा दिखाई दे रहा है, ख़राब लग रहा है दिखने में, लेकिन कुछ ही 15 दिन के बाद जब नया ब्रांचेस छोड़ेगा तो जो वायर है और जो स्टिक है वो अपने पत्ते के नीचे चलाया जाएगा। और इस दौरान देखिए जो बीचों बीच में एक स्टिक गाड़ रहा हूँ, ताकि जो प्लांट का जो मेन स्टीम है उसको एक सपोर्ट दे, ताकि जब भी हवा आए तो उसको प्लांट को हिला ना सके, क्योंकि प्लांट काफ़ी बड़े हो चुका है। एक दिन का अगर आपको जोर से हवा आएगा प्लांट में तो प्लांट टूट जाएगा, क्योंकि छोटा प्लांट नहीं है। छोटा प्लांट जो लोग 8 इंच का या 10 इंच के पॉट में लगाते हैं उन लोगों के लिए इन सब झमेला का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब 12 इंच का पॉट में आप इस तरह से ह्यूज आकार में प्लांट को तैयार करेंगे क्रिसेंथम को, तो आपको इस तरह का प्लांट सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा, नहीं तो एक ही दिन में आपका प्लांट खराब हो सकता है अगर कोई बारिश होगा जोर से या तो जोर से हवा होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत की है, तकरीबन अप्रैल से स्टार्ट की है और आज अक्टूबर का 14 है, तो इतना देर तो लॉन्ग टाइम से हम लोग कर रहे हैं कि इसके अभी जितना भी ख्याल हो सके हम लोगों को रखना है, किसी भी तरह इसको डैमेज ना पहुँचे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आज मैं केवल 2 प्लांट के ऊपर इस तरह का जो क्रीपर सपोर्ट सिस्टम है मैं बनाऊंगा, क्योंकि जो दूसरा प्लांट है थोड़े छोटे हैं और उतना टाइम भी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो नियम है जो आपका टेक्निक है एकदम इजी टेक्निक है, आप लोग देख लीजिए, और ताकि आपका भी अगर प्लांट इस तरह बड़े हो चुके हैं तो आप इस तरह का बैरिकेड लगा दीजिए। पॉट का साइज़ 12 इंच का है और 12 इंच का पॉट में जो प्लांट है वो भी काफ़ी बड़े है, और इसमें बहुत सारा तकरीबन 100 के ऊपर ब्रांचेस है। अभी इन ब्रांचेस में मैं या 2 या 3 बार ब्रांच पिंचिंग कर सकता हूँ, और उन पिंचिंग के बाद इस प्लांट का साइज़ और भी बहुत एक जायंट साइज़ हो चुके होंगे,
तो इस तरह के लिए आपको पहले से इस तरह का बैरिकेड करके रखना है, नहीं तो बाद में जब प्लांट का जो पत्ता बहुत ब्रांचेस बड़े हो जाएंगे तो आपको करने में मुश्किल होगा। और आगे करने का फ़ायदा यही है कि यही जो स्ट्रक्चर आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, जब प्लांट बड़े हो जाएंगे तो वो स्ट्रक्चर पूरी तरह से ढक जाएगा। ऊपर का जो लंबा स्टिक है उसको थोड़ा सा और भी काटना है, लेकिन मैं अभी काटूंगा नहीं, अब मैं पहले देखूंगा जो प्लांट कितनी ऊंची तक बढ़ते हैं, उसके बाद ही मैं तय करूंगा कि इस जो ऊपर का जो लंबा स्टिक है उसको कितना घटाना है और कितना मुझे रखना है। आप 8 इंच का पॉट के सामने जो 12 इंच का पॉट है उसका डिफरेंस आप देख सकते हैं साइज़ का, और 12 इंच का पॉट में जो प्लांट है उसका भी साइज़ का अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लांट कितना बड़े हो चुके हैं। तो इस दौरान आपको ध्यान रखना है जे जिस तरह का फर्टिलाइज़र मैंने यूज़ किए है लास्ट वीडियो में, जैसे कि मास्टर के NPK और DAP, उसको कैसे देना है जो लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपका प्लांट में किसी भी तरह कीड़े मकोड़ा का अटैक हो तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको पिंचिंग का ध्यान रखना होगा, हर दिन आपको आके पिंचिंग चेक करना होगा। हालांकि जो पिंचिंग करने का इंटरवल टाइम है वो 10 से 15 दिन का इंटरवल होना चाहिए, लेकिन अलग अलग वैरायटी का जो ग्रोथ रेट है वो अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको हर दिन चेक करना है जो ब्रांचेस का साइज़ कितना है और उसके अनुसार आपको डिसीजन लेना है कि पिंचिंग करना है कि नहीं करना है। अगर आप हर दिन पिंचिंग चेक नहीं करेंगे तो आपको कुछ कुछ ब्रांच ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो बाद में पिंचिंग करने के बाद नीचे से ब्रांचेस नहीं निकलेगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, नमस्कार।